महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि शमसाबाद में एक और महिला का जला हुआ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस इलाके में एक महिला डॉक्टर का रेप के बाद जला हुआ शव मिला था। बताया जा रहा है कि शमसाबाद के सिडुल्ला गुट्टा मंदिर के पास तकरीबन 30 से 35 साल की एक महिला का शव जली हुई हालत में मिला है। अभी तक की जांच में पता चला है कि चार लोगों ने महिला को आग में जलते हुए देखा, जिसके बाद दो और लोगों को बुलाकर उन लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की। इसी दौरान पुलिस को भी खबर दी गई, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती महिला की जलकर मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध हालात में मौत का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस घटना से इस इलाके में दहशत का माहौल है। हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या किए जाने पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इस महिला का आधा जला हुआ शव एक पुल के नीचे से मिला। बताया गया कि आरोपियों ने गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी, जिसके विरोध में लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर एक मार्च निकाला। महिला डॉक्टर का आधा जला हुआ शव पुलिस को शादनगर इलाके में बन रहे एक पुल के नीचे से मिला था, जिसकी पहचान उनके परिवार के लोगों ने वहां पहुंचकर की। इस दौरान उन्होंने उसके साथ हुई बातचीत के बारे में भी बताया। She called me and told what all the incidents have happened, why she has parked the bike there. She told all that and she was telling that she is little bit afraid. वहीं पुलिस ने वारदात वाली जगह से 100 मीटर दूर उस महिला के कपड़े और दूसरा सामान भी बरामद कर लिया। विक्टिम का जो डीट पर्स है, वॉलेट है, वो सब इस लोकेशन में, अगर आप देखा जाए मेरे राइट साइड जो लोकेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे वॉलेट, सैंडल्स, चप्पल, ये सब यहाँ पे मिले होते, और कुछ डिस्टेंस में विक्टिम के कपड़े और बाकी सारे डिटेल्स भी मिल गए थे। जबकि पुलिस के आला अधिकारियों ने उस जगह जाकर तहकीकात की जहाँ उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें ट्रक का एक ड्राइवर और क्लीनर भी शामिल है। जिनको पकड़ने के लिए पुलिस ने टोल प्लाजा पर लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इनमें एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में महिला डॉक्टर घर से निकलने के बाद अपने स्कूटर को हैदराबाद के टोंडुपल्ली टोल प्लाजा के पास पार्क करती दिखाई दी। बताया गया कि इस दौरान ही उन्होंने अपने परिवार को स्कूटर के पंक्चर होने की बात बताई थी। हालांकि कुछ देर बाद उनका फोन बंद मिलने के बाद परिवार के लोग पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे थे। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दूसरे थाने में शिकायत के लिए भेज दिया। जब हम कंप्लीट करें ना, उसी टाइम इससे ही वो 10 लोग जाके उस एरिया में ढूंढे तो हमारा बच्ची मिल जाता था। उधर ही बाजी में ही वो हमारा बच्ची खराब कर दिया। उन्हीं लोग पुलिस लोग बोल रहे हैं। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला दावा किया है। देश को झकझोर देने वाली इस घटना में पुलिस ने दो लोगों को मुख्य आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना तब हुई जब क्लिनिक से महिला डॉक्टर अपने घर के लिए निकली। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे। घर लौटते समय उन्होंने देखा कि उनके स्कूटर का एक टायर पंक्चर हो गया था। पुलिस के मुताबिक कुछ ही वक्त बीता था कि वहां दो लोग पहुंच गए और उन्होंने मदद करने की बात कही। इस पर महिला डॉक्टर भी तैयार हो गई और उन्होंने उन दोनों लड़कों पर भरोसा कर लिया। पुलिस का दावा है कि बाद में इन्हीं दोनों ने महिला डॉक्टर को वहां से अगवा कर लिया और उनका गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई और फिर शव को जला दिया गया। इस खौफनाक घटना ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया, लेकिन इसी बीच तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महबूब अली ने इस मामले में एक विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टर ने खतरा भांपने के बाद भी पुलिस को फोन नहीं किया और उम्मीद जताई कि अगर वो पुलिस को फोन करती तो उन्हें बचाया जा सकता था। अफसोस की बात है कि वो डॉक्टर एक पढ़े लिखे होने के बाद अपने बहन को फोन की, अगर वो 100 को कॉल कर देती तो सेफ हो जाती थी। गृह मंत्री के दावे को खारिज करते हुए महिला डॉक्टर के पिता ने पुलिस पर ही लापरवाही का आरोप लगा दिया। उन्होंने बताया कि अगर पुलिस वाले कोशिश करते तो उनकी बेटी को बचाया जा सकता था। 40-50 लोग आना, एकदम पूरा रास्ता रोक के पूरा चेक करे तो मिल जाती बच्चा। एक ऐसे ही आके एक कांस्टेबल आए तो रेस्क्यू होता, वो नहीं होता ना। विवाद बढ़ने के बाद गृह मंत्री को भी अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। मैं ऐसा नहीं किया, मैं बोला बहन को भी जब फोन आया तो 100 को कॉल कर देते तो बहुत जल्दी प्रिकॉशन लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़की ने एक मकान के बाहर जमकर हंगामा किया। लड़की ने मकान में रहने वाले लड़के पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और आरोपी लड़के की शादी दूसरी जगह होने की जानकारी मिलते ही वो उनके मकान पर पहुंच गई और हंगामा करने लगी। मकान का दरवाजा बंद देखकर लड़की और नाराज हो गई और पुलिस को भी बुला लिया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी मकान का दरवाजा नहीं खुला। इस दौरान गुस्साई लड़की की पुलिस वालों से भी बहस हो गई और वो आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगी। लड़की की शिकायत पर पुलिस वालों ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया।
ये लड़की ने अपने एक लड़के पर आरोप लगाया कि इसने शादी का झांसा देकर इसके साथ यौन दुराचार किया गया था। इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत थाना कोतवाली में किया गया है और इस तथ्यों के आधार पर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोने के गहनों की बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी बंद करने के लिए सरकार ने हॉलमार्किंग को जरूरी करने का फैसला कर दिया है। हॉलमार्क सोने के गहनों पर लगने वाली एक मोहर है जिसे शुद्धता की गारंटी माना जाता है। जो शुद्धता की जांच करने वाली एजेंसी BIS ही देती है। केंद्र सरकार BIS की जांच और हॉलमार्क के निशान के बारे में लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाएगी। इस अभियान के तहत लोगों को ये बताया जाएगा कि गहनों पर हॉलमार्क का निशान होना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 15 जनवरी को नियम का नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान किया है। नोटिफाई करने के बाद जितने ज्वेलर्स हैं उनको क्या कहते हैं कहा जाएगा कि इसको जितना जल्दी से हो जो पुराना क्या कहते हैं कि है उसको डिस्पोज ऑफ करो। सोने के गहने बेचने वाले दुकानदार ग्राहकों को ये तो जरूर बताते हैं कि गहने कितने कैरेट सोने के बने हैं, लेकिन बताई गई बातें सही हैं या नहीं इसका पता हॉलमार्क का निशान देखकर चलता है। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोने की शुद्धता की जांच लाइसेंस धारक एजेंसी से की गई है। BIS ही एक मात्र एजेंसी है जिसे सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी मिली हुई है। हालांकि परेशानी यह है कि गहनों पर हॉलमार्क की मोहर लगाने वाली अकेली एजेंसी BIS है, जबकि गहनों का कारोबार करने वाले देश में लाखों दुकानदार हैं। सोने के गहने बेचने वाली छोटी और बड़ी कुल मिलाकर देश में 6 लाख दुकानें और शोरूम हैं, लेकिन हॉलमार्किंग करने वाली एजेंसी BIS देश भर में केवल 887 सेंटर है। BIS से गहनों की शुद्धता की जांच करवाने और हॉलमार्क का निशान लेने के लिए किसी भी दुकानदार को रजिस्ट्रेशन करवाना होता, और अब तक देश में करीब 27,000 दुकानदार ही ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन BIS के पास है। यानी सोने के गहने बेचने वाले 95% दुकानदारों को अब BIS के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और दुकानदारों को यही सबसे बड़ी परेशानी भी लग रही है। दुकानदारों का कहना है कि BIS के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान नहीं है। आसान होता तो अभी तक 6 लाख के 6 लाख जुड़े रजिस्टर ना हो गए होते, पेचीदा है तभी तो लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। दूसरी बात ये भी है कि सरकार बिना हॉलमार्क वाले गहने बेचने पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाने वाली है। कारोबारियों की दलील ये है कि खराब क्वालिटी का सोना बेचने में दोष कारोबारी का नहीं होता बल्कि गहने बनाने वालों का होता है, क्योंकि देश में लाखों कारोबारी ऐसे हैं जो बने बनाए गहने खरीद कर ग्राहक को बेचते हैं। छोटे छोटे दुकानदार हैं वो लोग होलसेलर से खरीदते हैं ज्वेलरी, होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। अब मैन्युफैक्चरर अगर कोई किसी कारण से कोई गड़बड़ करता है तो वो चीज़ उसकी नॉलेज में नहीं आती है। लेकिन सरकार ने तय कर लिया है बहुत जल्दी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की बिक्री को गैर कानूनी कर दिया जाएगा। इससे जुड़ा नोटिफिकेशन 15 जनवरी 2020 को जारी किया जाएगा। फिर साल भर का वक्त सभी कारोबारियों को दिया जाएगा और 15 जनवरी 2021 के बाद बिना हॉलमार्क वाले गहनों की बिक्री करने को जुर्म माना जाएगा, जिसके लिए 1 साल तक की कैद का भी प्रावधान है। इसके अलावा जितने भी बिना हॉलमार्क वाले गहने दोषी कारोबारी के पास मिलेंगे उनकी कीमत का 5 गुना जुर्माना वसूला जा सकता है। इसलिए कारोबारियों के पास 15 जनवरी 2021 तक का वक्त है जब उन्हें बिना हॉलमार्क वाले गहनों का स्टॉक या तो खत्म करना होगा या उन पर हॉलमार्क की मोहर लगवानी होगी। कांग्रेस के महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हमेशा ही विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने के प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना NCP और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार दिग्विजय सिंह ने सावरकर की तारीफ की है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने माना कि वीर सावरकर का आजादी की लड़ाई में काफी योगदान रहा है और इसलिए वो उनका सम्मान भी करते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने साथ ये भी कहा कि वो सावरकर के अंग्रेजों से माफी मांगने और हिंदुत्व को धर्म से जोड़ने की विचारधारा का विरोध करते हैं। दामोदर राव सावरकर जी का जो पहला जीवन उनकी परिचय है उसमें उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काम किया और अंडमान में उनको काला पानी भेजकर उनको सॉलिटरी सेल में रखा, उनका बहुत हम सम्मान करते हैं। लेकिन उसके बाद वे ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी मांगकर आए और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया, यहाँ तक कहा कि ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होना चाहिए, और उनके विचार जो हैं जो उन्होंने हिंदुत्व शब्द को धर्म के साथ जोड़ा उसका हम विरोध करते हैं।
जापान में बीमारी की वजह से स्कूल नहीं जा पाने वाले दिव्यांग बच्चे अब रोबोट की मदद से पढ़ाई कर सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई बच्चा बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाया तो उसकी जगह एक खास तरह के रोबोट को स्कूल भेजा जाएगा। ये रोबोट एक ऐप के जरिए मोबाइल से जुड़ा होगा जिसे बीमार छात्र अपने घर या हॉस्पिटल से कंट्रोल कर सकेगा। रोबोट के सिर पर एक कैमरा भी लगाया गया है जिसकी मदद से क्लास में होने वाली पढ़ाई को छात्र लाइव देख और सुन सकेगा। साथ ही रोबोट में लगे स्पीकर की मदद से वो टीचर से सवाल भी कर सकेगा। रोबोट से पढ़ाई के इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत टोक्यो में दिव्यांग बच्चों के एक स्कूल से की गई है। अफगानिस्तान पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ एक बार फिर बातचीत शुरू करने के संकेत दिए। डोनाल्ड ट्रंप थैंक्सगिविंग डे के मौके पर अमेरिकी जवानों से मिलने बगराम एयरबेस पहुंचे, जहां वो जवानों के साथ डिनर में शामिल हुए। ट्रंप ने जवानों के लिए खाना भी परोसा। इससे पहले वो जवानों से मिलने अचानक ही बगराम एयरबेस पहुंच गए। राष्ट्रपति ट्रंप के इस सरप्राइज से जवान भी काफी खुश नजर आए। ट्रंप ने भी जवानों का शुक्रिया जताया और उनकी हौसला अफजाई की। Celebrate this Thanksgiving, then right here with the toughest, strongest, best and bravest warriors on the face of the earth, you are indeed that. इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने तालिबान के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने की जानकारी दी। And they only want to make a deal because you're doing a great job. That's the only reason they want to make a deal. करीब दो महीने पहले काबुल में एक अमेरिकी सैनिक की हत्या के बाद अमेरिका और तालिबान के बीच होने वाली बातचीत रद्द कर दी गई थी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचे जाने के नियमों में बदलाव की खबरों को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद ट्वीट कर बताया कि नियमों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुताबिक अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, कलेक्टर भी इस तरह के सौदे को मंजूरी नहीं दे सकते। कमलनाथ ने कहा कि सरकार आदिवासियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा करेगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में नाथूराम गोडसे पर दिए अपने विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी। खबर है कि उन्हें सुबह सुबह बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की उन्होंने और अपने बयान पर सफाई दी, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा में गोडसे पर दिए विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी। मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूं। साध्वी प्रज्ञा ने माफी मांगने के साथ ही विपक्ष पर उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, जिसकी वजह से विपक्ष और भड़क गया और सदन के अंदर महात्मा गांधी की जय और गोडसे के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। यही नहीं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने साध्वी प्रज्ञा से बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा। सर फिर हम चाहते हैं ये अनक्वालिफाइड अपोलॉजी मांगे। सर ये सदन की नहीं, देश की, सबको ये गरिमा की मसला है। जबकि AIMIM ने तो सीधा सरकार से ही सवाल पूछ डाला। मैं आपके जरिए से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था या खासिल था? आप बोलिए, गोडसे खासिल था या टेररिस्ट था? विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन साध्वी प्रज्ञा अपने बयान के लिए माफी मांग चुकी थी, इसलिए सरकार ने इसका विरोध किया। स्पष्ट रूप से माफी, इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर के माफी मांगने के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा और कांग्रेस ने उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा, जिसके बाद प्रज्ञा ठाकुर को गोडसे पर दिए बयान के लिए 3 घंटे के अंदर दूसरी बार माफी मांगनी पड़ी। कि मैंने 27/11/2019 को SPG बिल की चर्चा के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त नहीं कहा, नाम ही नहीं लिया, फिर भी किसी को ठेस पहुंचती हो तो मैं खेद प्रकट करते हुए क्षमा चाहती हूँ। वहीं इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर दिए गए बयान के विरोध में बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत भी की। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में साध्वी प्रज्ञा को आतंकी लिख दिया, जिस पर सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खुद आपत्ति जताई और लोकसभा में यह मुद्दा उठाया। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। यही नहीं, उन्होंने आरोप सिद्ध हुए बिना आतंकवादी बोले जाने की बात पर भी राहुल को घेरा। अदालत में मेरे खिलाफ
कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। जिसके बाद बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के समर्थन में उतर आए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी भी हुई। शोरगुल के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे खड़े हुए और उन्होंने राहुल के साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी कहने के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। राहुल गांधी जी के ऊपर प्रिविलेज पोषण जो है आप मूव करिए और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करिए। महिला को आतंकवादी कहना, इस सदन के सदस्य को आतंकवादी कहना, वो महात्मा गांधी की हत्या से भी ज्यादा बदतर है। जिसके जवाब में कांग्रेस ने इस मामले से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि राहुल गांधी ने ये बयान संसद से बाहर दिया। क्या सदन के अंदर क्या हुआ था? सदन के अंदर जो हुआ था उससे हम न्याय मांगने के लिए आपके पास गए थे। ये सर बाहर से कहाँ के कौन रेफरेंस लेके आते हैं? इसके साथ सदन के अंदर की बात क्या तालुकात है? इस बीच राहुल गांधी भी सामने आए और साध्वी प्रज्ञा पर दिए अपने बयान से टस से मस नहीं हुए। प्रयोग करता था, ये भी हिंसा की प्रयोग करता। मतलब आप अपने बयान पे कायम हैं? और क्या जो मैं ट्विटर पे लिखा है उसको। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कामकाज संभालते ही पिछली सरकार के फैसले को पलटते हुए मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड बनाने के काम को फिलहाल रोक दिया, जिसके बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। निर्मोणी तसे निर्देश दिले कि जोपर्यंत ह्याचा पुनर्विचार करून पुढची दिशा ठरत नाही तोपर्यंत आरे मधलं एक पान सुद्धा तोडता येणार नाही। जेवढी झाडं राहिले ती तशी तशी राहिली पाहिजे। झाड तोड वृक्ष तोड तर सोडत पण पान सुद्धा तोडता नाही येणार। पूर्ण त्या आरे कारशेडच्याला मी स्थगिती द्यायला सांगितलेली आहे। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद शिवसेना की नजर अब गोवा पर है। इसी सिलसिले में शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई में गोवा के पूर्व डिप्टी सीएम विजय सरदेसाई से मुलाकात, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर विजय सरदेसाई की अगुवाई वाली गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ एक नया मोर्चा बनाने का ऐलान किया और महाराष्ट्र की तर्ज पर गोवा में भी सरकार बनाने के संकेत दिए। गोवा फॉरवर्ड के प्रेसिडेंट आज शिवसेना के साथ आए हैं और हम गोवा में जाकर उनके साथ एक फ्रंट बना रहे हैं और जल्दी ही गोवा में भी एक चमत्कार आपको दिखाई देगा। तीन विधायकों के साथ मुंबई पहुंचे विजय सरदेसाई ने भी गोवा में विपक्ष को एकजुट करने और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। जो महाराष्ट्र में हुआ है वैसे ही गोवा में भी करना चाहिए। सब विपक्ष के लोग एक साथ में आना चाहिए। तो हम संजय राउत जी को इसी के लिए मिले हैं। शिवसेना और गोवा फॉरवर्ड पार्टी की रणनीति पर पलटवार करने में गोवा के डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर ने भी देर नहीं लगाई और गोवा में बीजेपी की सरकार मजबूत होने का दावा किया। संजय राउत जो कह रहे हैं वो खाली सपना देख रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज गोवा में स्ट्रांग सरकार आज गोवा के लोगों को मिली है। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे के टोल बूथ पर फास्टैग लागू करने की तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पहले केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से ही नेशनल हाईवे के टोल पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद फास्टैग के लिए देश भर के टोल बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक फास्टैग को अनिवार्य करने की तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है ताकि लोग जल्द से जल्द फास्टैग खरीद सकें। गाड़ी में फास्टैग लगे होने से टोल टैक्स पर लोगों को रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत पर सुनवाई टल गई। चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। झारखंड हाईकोर्ट में अब इस मामले की 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में मिले सरकारी आवास को खाली कर दिया। देवेंद्र फडणवीस जो है यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। वर्षा बंगलो जा रहे हो भाई? वर्षा बंगलो? हाँ, वर्षा बंगला। सामान लेने के लिए कहा गया है? हाँ। कनाडा के ओंटेरियो में एक छोटा विमान क्रैश हो गया जिसमें सवार 7 लोगों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने बताया कि स्टीव स्मिथ नींद की समस्या से परेशान है। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्मिथ जल्द इस समस्या को सुलझा लेंगे। कर्नाटक प्रीमियर लीग में फिक्सिंग के मामले में गेंदबाज अभिमन्यु मिथुन से पूछताछ होगी। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। मिथुन पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिनसे इस मामले में सवाल जवाब किए जाएंगे। चीन के शंघाई में एक नई तरह की मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें लोग सीढ़ियों पर दौड़ते नजर आए। बेहद मुश्किल माने जाने वाली इस रेस को वर्टिकल मैराथन का नाम दिया गया जिसमें चीन के अलावा
दुनिया के कई देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वर्टिकल मैराथन के लिए 127 मंजिला शंघाई इंटरनेशनल टावर को चुना गया, जहां रेस शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों की मेडिकल जांच की गई। इसके बाद जैसे ही झंडी दिखाई गई, वैसे ही सैकड़ों खिलाड़ियों के बीच वर्टिकल मैराथन जीतने की होड़ शुरू हो गई। इस रेस में खिलाड़ियों को सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाना था। रास्ते में कई जगहों पर खिलाड़ियों के लिए पानी और जूस का भी इंतजाम किया गया था। ये रेस शंघाई इंटरनेशनल टावर की 119वीं मंजिल तक पहुंची थी और वहां तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को करीब 3400 सीढ़ियां चढ़नी थी। पुरुषों की कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के मार्क बॉन ने ये दूरी 17 मिनट 33 सेकंड में पूरी कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि महिलाओं में इटली की वालेंटीना बेलोटी ने 20 मिनट 50 सेकंड में मैराथन जीत ली। पटना में उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों ने बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा के आवास के बाहर जमकर हंगामा किया। आरएलएसपी के कार्यकर्ता राज्य में दो केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन नहीं दिए जाने के विरोध में वहां पहुंचे। और शिक्षा मंत्री के घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिख पोतती। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। आरएलएसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा बढ़ता देख वहां मौजूद पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस यहां पर पहुंची है और इन सभी लोगों को यहां से खदेड़ने की कोशिश कर रही है। कृष्णनंदन वर्मा के घर पर पहुंचकर और यह मांग कर रहे थे कि जो सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन की बात की जा रही है, राज्य सरकार वो जमीन आवंटित करे। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने राज्य सरकार पर जानबूझकर औरंगाबाद में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नहीं देने का आरोप लगाया। जमीन जब जनता दे रही है, बिहार सरकार का उसका रुपया नहीं लग रहा है, उसके बावजूद भी एनओसी नहीं दे रही है। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देने की मांग के मुद्दे पर पिछले 4 दिन से अनशन पर है। रूस के वैज्ञानिकों को साइबेरिया में बर्फ में दबे एक जानवर का शव मिला है, जो 18,000 साल पुराना बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि साइबेरिया में बर्फ के नीचे दबे इस जानवर की शक्ल काफी हद तक कुत्ते से मिलती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि लगातार बर्फ में दबे रहने की वजह से इस जानवर के शरीर के कुछ हिस्से जैसे कि पैर, बाल, दांत और नाक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कार्बन डेटिंग के जरिए वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जानवर 18,000 साल पहले साइबेरिया की बर्फ में दब गया था। कार्बन डेटिंग वो तकनीक है जिसके जरिए सदियों पुरानी चीजों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने जानकारी दी कि जिस वक्त इस जानवर की मौत हुई, उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 2 महीने थी। इस जानवर का नाम वैज्ञानिकों ने डोगोर रखा है। रूस के एक हिस्से में बोली जाने वाली याकूत भाषा में डोगोर का मतलब दोस्त होता है। माना जा रहा है कि ये जानवर कुत्ते और भेड़िए के बीच किसी प्रजाति का हो सकता है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि 18,000 साल पहले इसकी मौत कैसे हुई थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने वाली टीचर को अंग्रेजी नहीं आने पर डीएम ने फटकार लगाई। वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बच्चों के अलावा 8वीं क्लास में पढ़ा रही टीचरों से भी सवाल जवाब किए। डीएम ने क्लास में बच्चों को पढ़ा रही एक महिला टीचर से अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहा, लेकिन वो ठीक से पढ़ नहीं पाई, जिसके बाद डीएम ने उन्हें फटकार लगाते हुए तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, डीएम ने पास में खड़ी स्कूल की एक दूसरी महिला टीचर को भी अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहा, लेकिन वो भी बहाने बनाने लगी। हालांकि डीएम के बोलने के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने टीचरों को उसी वक्त सस्पेंड नहीं किया और आदेश मिलने पर कार्रवाई करने की दलील दी। डीएम साहब ने शिक्षकों से भी कहा तो शिक्षकों को भी पढ़ने में असुविधा हो रही थी। इस पर डीएम साहब नाराज हुए, जो भी निर्देश आदेश होंगे उसका पालन किया जाएगा। राजस्थान के बीकानेर में ट्रक और एक गाड़ी की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 9 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। मरने वाले सभी मजदूर हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। फिलहाल घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चीन के चेचियांग में एक बेकाबू कार सड़क से कई फीट नीचे एक मकान के बेसमेंट में गिर गई। बताया गया कि कार पार करने के दौरान ड्राइवर ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क किनारे बनी रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। इससे पहले वो कार सड़क से मुड़कर किनारे आती दिखी, लेकिन वहां रुकने के बजाय वो बेकाबू हो गई और सड़क किनारे बनी रेलिंग तोड़ते हुए एक मकान के बेसमेंट में जा गिरी।
नीचे गिरी कार अपने अगले हिस्से के बल सीधी खड़ी हो गई। काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से कार के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस हादसे में ड्राइवर की जान बच गई और वो गाड़ी से बाहर निकल आया। भारतीय नौसेना ने डॉर्नियर विमानों की 6th स्क्वाड्रन गुजरात के पोरबंदर में तैनात की है। पोरबंदर में डॉर्नियर विमानों की तैनाती के पीछे का मकसद पाकिस्तान से लगी समुद्री सीमा पर निगरानी और मजबूत करना है। नेवी ने अपने स्क्वाड्रन में 4 नए अत्याधुनिक डॉर्नियर विमानों को तैनात किया है, जो कि युद्ध की स्थिति, समुद्री निगरानी के साथ साथ खोज और बचाव के अभियान में अहम भूमिका निभाएंगे। नेवी ने अपने इस मजबूत स्क्वाड्रन का नाम रैप्टर्स रखा है, जिसका मतलब शिकारी पक्षी होता है। पश्चिम बंगाल के भाटापाड़ा में बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ उनके पार्टी दफ्तर पर कब्जा करने का आरोप लगाया। राज्य की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और एक हथौड़े की मदद से बीजेपी दफ्तर का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। पहले एक आदमी ने ताले पर जोर से हथौड़ा मारा और वहां लगे ताले को तोड़ दिया, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ता दफ्तर के अंदर घुस गए और दीवारों पर पुताई करने लगे, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। इस दौरान वहां तोड़फोड़ भी की गई। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए, ताकि हमारे जिला सेक्रेटरी धुमा बरसा ताकि एवं हमारे बाड़ी ते जरा इसलो कुछ लोग जन तो तादर बाइक गाड़ी जरा इसलो से सब गाड़ी कुछ भांगचूर पड़े। वहीं टीएमसी ने बीजेपी के तोड़फोड़ करने के आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन ये जरूर माना कि बीजेपी दफ्तरों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। हमारा जगदल विधानसभा आज के प्राय 7-8 ऑफिस जेटा दखलेर मध्ये छिलो सेगुलो आमरा निये नियेछि। जिस वक्त टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, वहां कई पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश नहीं की। झारखंड में पहले चरण में 13 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। नक्सल प्रभावित इन इलाकों में दोपहर 3 बजे तक मतदाता वोट डाल सकते हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण के विधानसभा के चुनावों में कुल 189 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रशासन ने 1,343 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और आपको बता दें कि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, जिसके चलते सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। दोपहर 3 बजे तक मतदाता वोट डाल सकते हैं। 13 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। झारखंड में 13 विधानसभा सीटों के लिए मतदान है। नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक मतदाता वोट डाल सकते हैं और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने खास तरह के इंतजाम किए हैं, ताकि कोई अनहोनी ना हो। विधानसभा के चुनावों में कुल 189 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और प्रशासन ने 1,343 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया है, जिसके चलते शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। झारखंड के पहले चरण का मतदान जारी है। 13 विधानसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जा सकते हैं, जो इलाके अति संवेदनशील है। मतदान जारी है। ये तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं किस तरह से ये वृद्धा वोट डालकर आई हैं और अपना निशान दिखा रही हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई अनहोनी ना हो। आपको बता दें कि विधानसभा के चुनावों में कुल 189 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और डीएमके ने कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और डीएमके के सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की मांग की। फारूक अब्दुल्ला साहब को रिहा करो, वो एक इलेक्टेड मेंबर है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अब तक पकड़ी गई भारत की सभी नावों को छोड़ने का ऐलान किया। खबर है कि अजीत पवार नागपुर में होने वाली एनसीपी की बैठक के बाद मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा ये अभी तय नहीं है। राहुल द्रविड़ ने आईपीएल में भारतीय कोचों के लिए कम मौके मिलने पर निराशा जताई। राहुल ने दावा किया कि भारतीय कोच भी विदेशी कोचों की तरह काबिल हैं। पंजाब के कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने सोनिया गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने दावा किया कि राज्य के कांग्रेस विधायक उनको सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट साडे मन जाणगे तां एसपीजी दे जिहड़ा इन्हां नूं बदलिया, एसपीजी नूं बदलिया, उत्थे असीं आप ड्यूटी करिया करांगे। लखनऊ नगर निगम ने फरवरी में होने वाले डिफेंस एक्सपो के लिए एक भी पेड़ नहीं काटे जाने की बात कही।
इससे पहले गोमती नदी किनारे करीब 64,000 पेड़ काटने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसका लोगों ने विरोध किया था। प्रदेश के आगरा में ट्रैफिक चालान कटने पर एक महिला पुलिस वालों के सामने ही फूट फूट कर रोने लगी। मामला आगरा के सेंट जॉन्स चौराहे का है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की जांच में जुटी हुई थी। उस दौरान एक बाइक पर तीन लोग आ रहे थे। एक आदमी बाइक चला रहा था जबकि दो महिलाएं पीछे बैठी थीं। बाइक पर तीन लोग सवार होने की वजह से पुलिस ने बाइक को रुकवाया और फिर उसका चालान काट दिया। चालान कटते ही बाइक सवार महिला चौराहे पर ही पुलिस वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी महिला भी हाथ जोड़कर चालान नहीं करने की गुहार लगाती रही, लेकिन नियम तोड़ने की बात कहकर ट्रैफिक पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। इस दौरान किसी ने महिला के रोने का वीडियो बना लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूपी में सोनभद्र के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील मामले में हुई गड़बड़ी पर प्रशासन ने एक शिक्षा मित्र को बर्खास्त कर दिया। एक दिन पहले स्कूल में 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर उसे 81 बच्चों में बांटा गया था। और जब इसका पता चला तो पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मामले की जांच की गई और दोषी पाए जाने के बाद एक शिक्षा मित्र की सेवा खत्म कर दी गई। मिड डे मील में 1 लीटर दूध को 81 बच्चों में बांटने के आरोप में शिक्षा मित्र के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। जांच के बाद ये निकल के आया कि उनका मैलिफाइड इंटेंशन था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ FIR भी दर्ज हो गई है। इस मामले में एक टीचर को भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा प्रशासन ने ABSA यानी असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी रिपोर्ट भेजकर कार्रवाई की मांग की। वहीं 1 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी मिलाने की घटना के बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा। इस घटना पर BJP ने UP सरकार का बचाव किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। किसी स्कूल में कोई शिकायत आएगी तो जांच करके निश्चित तौर से उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी सफाई दी। बेसिक शिक्षा मंत्री के मुताबिक आरोपी शिक्षा मित्र ने स्कूल को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत की थी और उसके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई गई है। उस शिक्षा मित्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है। उसके खिलाफ इस दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई के कारण उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया गया है। जिस शिक्षक को पास के शिक्षक को जिम्मेदारी मिली थी उसने जो लापरवाही की, कम दूध भेजा, उसके कारण उसको भी निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्याज की कीमतों के विरोध में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इन दिनों राज्य के कई शहरों में प्याज की कीमत 100 रुपए किलो को पार कर गई और बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने एक ठेले पर 40 रुपए किलो प्याज बेचकर प्रदर्शन किया। सस्ता प्याज मिलता देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक पुलिस वाला भी प्याज खरीदता दिखाई दिया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर आदमी को सिर्फ आधा किलो ही प्याज बेचा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सस्ता प्याज मिल सके। क्या भाव दे रहे हो? ये देखिए 40 रुपए किलो कर रहे हैं कि एक आदमी को आधा किलो दे रहे हैं। ठेले के आगे एक बैनर भी लगाया गया था जिस पर चारों तरफ हाहाकार है, महंगाई की मार है, ये नकारा सरकार है लिखा हुआ था। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर महंगाई के मुद्दे के बहाने जमकर निशाना साधा। सस्ता प्याज बेच करके ये विरोध करना चाह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश की आवाम का आपने एक जिम्मेदारी ली थी, उस जिम्मेदारी का आप निर्वहन नहीं कर रहे हैं। चिली में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक लड़के पर पुलिस ने बाइक चढ़ा दी। वहां बीते एक महीने से कम वेतन और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है और ऐसी ही एक प्रदर्शन के दौरान एक लड़के ने एक पुलिस वाले की बाइक के सामने खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश की और वहां से भागने लगा। इसी दौरान एक दूसरे पुलिस वाले ने इस प्रदर्शनकारी पर अपनी बाइक चढ़ा दी, जिसके बाद एक लड़की ने सहारा देकर उस लड़के को सड़क से उठाया और चोट लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया। नागरिकता संशोधन बिल पर अमित शाह पूर्वोत्तर के नेताओं से मिलेंगे। नागरिकता संशोधन बिल के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह अगले 4 दिन तक उत्तर पूर्वी राज्यों के नेताओं से मिलेंगे। भारत ने श्रीलंका को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने और दूसरी जरूरतों के लिए $450 मिलियन की मदद देने का ऐलान किया। गुजरात के दाहोद में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन बारिश हो गई, जिससे बीच में ही खेल रोकना पड़ा। इससे पहले न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 173 रन बना लिए थे। सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट के एक मुकाबले में अभिमन्यु मिथुन ने इतिहास रच दिया। कर्नाटक की ओर से गेंदबाजी कर रहे अभिमन्यु ने लगातार 4 गेंदों पर हरियाणा के 4 विकेट गिराए, जबकि आखिरी बॉल पर 5वां विकेट लिया।
उनके इस शानदार प्रदर्शन से कर्नाटक की टीम फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान के साथ डेविस कप मुकाबलों में भारत ने शानदार शुरुआत की। सुमित नागल और रामकुमार ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल की और पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 की बढ़त बना ली। उत्तर कोरिया ने सुपर लार्ज रॉकेट लॉन्चर के सफल परीक्षण का दावा किया। किम जोंग उन के सामने इस लॉन्चर से 2 मिसाइलें छोड़ी गईं। भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान कर दिया गया। किरण पोलार्ड को टीम की कमान सौंपी गई। वेस्टइंडीज भारत में 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलेगी। सौरभ वर्मा ने सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। न्यूज 18 से खास बातचीत में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया। राज्यपाल धनखड़ ने आरोप लगाया है कि राज्य के प्रशासनिक मामलों में ममता बनर्जी सरकार उनकी अनदेखी करती है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रशासनिक और संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में फेल करार दिया। साथ ही कहा कि संविधान दिवस के मौके पर भी उनकी अनदेखी की गई और उन्हें मंच पर बोलने के लिए 5वें नंबर पर बुलाया गया। जगदीप धनखड़ का दावा है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में डर का माहौल बना रखा है और मंत्री से लेकर अधिकारी तक सब उनसे डरते हैं। But look at my pain. Failure of a constitutional provision. The chief minister is obliged under the constitution to brief me on such issues. When the failure continued for too long a period, I wrote a letter to her, inviting attention to her constitutional obligation. And it never happened. It has shocked me. दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ गया। एक दिन पहले लोकसभा में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक दिलाने से जुड़ा बिल पास होना था, जिससे दिल्ली के करीब 40 लाख लोगों को फायदा मिल सकता है। लेकिन केजरीवाल सरकार को केंद्र के इस बिल पर भरोसा नहीं है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के लोगों को अलर्ट कर दिया। मैं फिर से आज आप लोगों के जरिए दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि जब तक हाथ में रजिस्ट्री नहीं आ जाए तब तक किसी पर भरोसा मत करना। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सवाल उठाए तो बीजेपी पूरे दस्तावेजों के साथ सामने आई और दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक देने से जुड़ी इस योजना की शुरुआत की तारीख बता दी। 16 दिसंबर से दिल्ली के इन 40 लाख से ज्यादा लोगों की अनऑथराइज कॉलोनी के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही इस जबानी जंग में कांग्रेस भी कूद पड़ी। उसने बिल की खामियां तो गिनवाई ही, साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार पर जनता को धोखे में रखने का आरोप भी मढ़ दिया। ये फ्रॉड है, ये बिल लाके दिल्ली के लोगों को बहकाया जा रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है केंद्र में बैठी हुई सरकार ने और आप पार्टी सरकार ने। दिल्ली पुलिस ने हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की सप्लाई, लूटपाट और डकैती को अंजाम देने के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 पिस्तौल भी बरामद की गई हैं। दिल्ली में खनन विभाग में सचिव अनिल मुकीम को गुजरात का नया मुख्य सचिव बनाया गया। यूपी के अमेठी में पुलिस ने बुजुर्ग से 50,000 की लूट करने वाली एक महिला को 1 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान वो महिला जो सीसीटीवी फुटेज में उसकी फोटो मिली थी उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से चोरी किए गए 50,000 रुपए भी बरामद हो गए। हरियाणा के नए खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रशिक्षकों को काम में कोताही ना बरतने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षकों को काम नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। बच्चों को समय नहीं दे रहा है और सैलरी पूरी ले रहा है, अगर ऐसा काम होगा तो मुझे लगता है कि वो इनडिसिप्लिन में गिना जाएगा और उसके ऊपर तो अगर आप भी होंगे मेरी जगह तो आप लोग भी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। यूपी के शामली में चोरों ने रोडवेज स्टैंड पर खड़ी बस को ही चोरी कर लिया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले में जांच तेज कर दी है। सुरक्षा कर्मी भी तैनात था, उसको भ्रम हुआ कि शायद चालक की गाड़ी निकाल रहा है, उसी टाइम पे गाड़ी गई जो शेड्यूल टाइम था उसका। राजस्थान के कोटा में पुलिस के एक गर्भवती महिला को घसीटने का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद हॉस्टल एसोसिएशन ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।
1 दिसंबर से मोबाइल पर बात करना महंगा होने वाला है, क्योंकि कई टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ प्लान महंगे हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने नए टैरिफ प्लान पेश करने वाली हैं, जो पहले के मुकाबले महंगे होंगे, जिसके बाद इन दोनों कंपनियों के ग्राहकों के लिए मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि दोनों कंपनियां अपने मोबाइल टैरिफ में कितने की बढ़ोतरी करने वाली हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने मौजूदा टैरिफ प्लान में 35% तक का इजाफा कर सकती हैं। दाम बढ़ाने के पीछे ये दलील दी जा रही है कि टेलीकॉम सेक्टर में नई तकनीक पर बहुत निवेश की जरूरत है, लेकिन खबरें हैं कि सरकार का 1,30,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ प्लान महंगा करने का फैसला लिया है। गुजरात सचिवालय में क्लर्क की भर्ती के लिए 17 नवंबर को हुई परीक्षा पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार ने अपने लोगों को इस परीक्षा में बैठाया और उन्हें खुलेआम नकल करने दी। इस मामले में पार्टी ने कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सार्वजनिक किए, जिनमें उम्मीदवारों को नकल करते हुए साफ देखा जा सकता है। पहला जो वीडियो कांग्रेस ने जारी किया वो गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले का है। वहां एक परीक्षा केंद्र में एक लड़के को खुलेआम नकल करते हुए देखा गया। दूसरे वीडियो में भी कई लड़के नकल करते देखे गए। ये नकल सरकारी नौकरी के लिए हुई परीक्षा में हुई, जिस पर अब कांग्रेस गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ये परीक्षा का रिजल्ट रोक के उसकी न्यायिक तपास करके ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सरकार पर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ पास फेल होने की नहीं थी। इस परीक्षा में लोग सरकारी नौकरी की उम्मीद से बैठे थे। सचिवालय में क्लर्क के पद पर सरकार ने कुल 3,900 भर्तियां निकाली थीं और करीब 10 लाख लोग 17 नवंबर को परीक्षा में बैठे थे, पर अब नकल के मामले सामने आने के बाद परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का सब्र टूटने लगा है। जो पेपर है वो पहले से ही यहाँ पे लीक हो गया था, लेकिन ये सरकार और ये जो बॉडी है वो मानने को ही तैयार नहीं। हालांकि परीक्षा कराने वाले बोर्ड ने इस मामले में जांच कराने का भरोसा दिया है। શાળાની અંદર અથવા જે કોલેજની અંદર આવી ફરિયાદ આવી છે એના કેન્દ્ર સંચાલકને બોલાવીને એના સુપરવાઇઝરને બોલાવીને પણ અમે આંગે પૃચ્છા કરવાના છીએ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक कार में आग लग गई। बताया गया कि नोएडा से आगरा जा रही इस कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और एक्सप्रेसवे पर धुएं का गुबार उठने लगा। ये देखकर लोग डर गए और कार से काफी दूर ही अपनी अपनी गाड़ियों को रोक लिया, जिसकी वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम भी लग गया। लोगों ने इसकी खबर दमकल विभाग और पुलिस को दी, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए, लेकिन जब तक वो आग पर काबू कर पाते कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। बताया गया कि कार में सवार लोग वक्त रहते बाहर निकल आए थे, जिससे उनकी जान बच गई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाथुराम गोडसे पर दिए गए विवादास्पद बयान पर बवाल जारी है। हालांकि बीजेपी ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति से बाहर निकाल दिया था, लेकिन विपक्ष इतने से खुश नहीं दिखा और मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंदौर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत कर दी। तो प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो लोकसभा में कोई टिप्पणी की थी उसके विषय में मांग के लिए आए थे, ज्ञापन दिया है। यही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया गया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी लिख दिया गया और बीजेपी से उनको टिकट मिलने पर सवाल उठाए गए। यही नहीं, कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी की सोच को कटघरे में खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में बहुत बड़ा एक वर्ग है, हिस्सा है, जो इसी विचारधारा में विश्वास रखता है, लेकिन बीजेपी ने साध्वी पर की गई कार्रवाई का हवाला दिया और विपक्ष के विचारधारा वाले मुद्दे को खत्म करने की कोशिश की। किसी को भी चाहे हमारी पार्टी में जो व्यक्ति हो उनको नाथुराम गोडसे के पक्ष में कोई बयान नहीं देना है, तो पार्टी ने इस पर कार्रवाई की है। कानपुर की फील्ड गन फैक्ट्री ने देश की पहली लंबी दूरी तक मार करने वाली रिवॉल्वर निशंक लॉन्च की है। निशंक रिवॉल्वर 0.32 बोर की है, जो 50 मीटर तक वार कर सकती है। इस रिवॉल्वर का वजन 740 ग्राम है। रिवॉल्वर को सुरक्षित करने के लिए फील्ड गन फैक्ट्री ने पिस्तौल रखने का कवर भी लॉन्च किया है, जो सिर्फ लाइसेंस धारक यानी रिवॉल्वर के मालिक के फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा, यानी इस रिवॉल्वर को उसके मालिक के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। पर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले उस्मान खान का पीओके कनेक्शन सामने आया है। उस्मान खान का परिवार पीओके में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप के लिए काम करता है, कैंप भी चलाता है। उस्मान खान 2012 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में बम रखने की साजिश में जुड़े मामले में 8 साल की सजा भी काट चुका था। कल
लंदन ब्रिज पर आतंकी हमले में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने हमला करने वाले उस्मान खान को मौके पर ही मार गिराया। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक लंदन ब्रिज पर इस हमलावर ने अचानक लोगों पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आतंकी ने नकली बम वाली जैकेट पहनी हुई थी। दोपहर 2 बजे हुई इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दो लोग आपस में लड़ रहे हैं जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसमें से एक को खींच कर हटा दिया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंदन में ब्रिज पर आतंकी हमला हुआ जिसमें उस्मान खान का नाम सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस ने उस्मान खान को मौके पर ही ढेर कर दिया। इस पूरे हमले में दो लोगों की मौत हो गई।